इधर बाल्टी। हाँ हाँ इसलिए पीछे रखा हूँ मैं। Happy birthday to you. Obviously double celebration, one of. हो गया start हो गया। आपका So obviously बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि double celebration है। I am missing Bhavin very much right now, but क्या कर सकते हैं, shooting, so can't do anything. बहुत हमने try किया but नहीं आ पाया, but it's Work okay. Work is worship. I know. तो डबल सेलिब्रेशन है, बर्थडे है, फिर उसके बाद हम तीन तिगाड़ा का पहला म्यूजिक एल्बम साथ में आ रहा है, सो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी है। हम कल से खुशी मना रहे हैं, वैसे हम खुशी मना रहे हैं, गाना हमारा रोने वाला है, बट हम बहुत खुशी मना रहे हैं क्योंकि गाना नंबर 10 ट्रेंडिंग पे है। ऑफकोर्स हमारा तीन तिगाड़ा का फर्स्ट टाइम साथ में ट्रिप था, हमारा साथ में फर्स्ट टाइम ट्रिप था बाहर, तो शूट के साथ साथ बहुत मस्ती करने का टाइम नहीं मिला एक्चुअली। क्योंकि रात भर हम शूट करते थे और उसके बाद मैं और भाविन रात भर सोते भी नहीं थे, हम पार्टी करने जाते थे। ये मैं सो उसके ये सो जाती थी, मैं और भाविन जाते थे, उसके बाद हम सुबह वापस हमारा 4 बजे का कॉल टाइम रहता, हम आते थे एंड क्रेडिट गोज टू रामजी पाजी क्योंकि वो ग्रुप में मैसेज करके गाइज प्लीज स्लीप यू गाइज नीड टू वेक अप अर्ली। मुझे नहीं लगता तुम लोग सोते थे, हम सोते ही नहीं थे ना, बट हाँ हम लोग टाइम पे रहते थे, टाइम पे रहते थे, तो ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। और पर बहुत मजा आया सॉन्ग शूट करते वक्त, बहुत ज्यादा मजा, बहुत रोए हम, पर मजा बहुत आया शूट करने में। पूरा सॉन्ग इमोशनल है यार, पूरा सॉन्ग इमोशनल मोमेंट से भरा पड़ा है। फ्रॉम द फर्स्ट के थोड़े टाइम हमारी थोड़ी हंसी मजाक हुई है, बाकी पूरा टाइम इट्स एन इमोशनल सॉन्ग ओनली, सो रो ही रहे हो क्या बोले, ये किसी और के पीछे, मैं इसके पीछे, भाविन मेरे पीछे, सो मच फन। यू नो ऐसा था कि हम जब हम उसके 2 मिनट ऐसा नहीं था कि हम आधे घंटे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं अभी हमें रोना है, ऐसा कुछ नहीं था। वी वर हैविंग फन, उसके बाद हम तुरंत ग्लिसरीन डाल के स्विच कर दिए। मैं तो नहीं ग्लिसरीन डाली थी एनीवे, मैंने तो हाँ तो बोल, ऐसा है कि हम इतना रो दिए थे नेचुरली कि हमारी आंखों के आंसू सूख गए थे, तो बाद में हमको ग्लिसरीन के क्लाइमेक्स में जरूरत पड़ी थी, थे सब लोग फुल डे, इसलिए ग्लिसरीन लेना पड़ा। बट मैंने तो ये सोचा था, मैं अब ट्रू तेको भी नहीं पता, मैं ट्रू बताती हूँ, मैंने क्या सोचा था, जो लास्ट सीन था हमारा रोने का, कि मैंने सोचा था कि अगर ये दोनों अगर नहीं मेरी लाइफ में नहीं रहे तो क्या होगा, तो वो जो मेरे को इमोशन आया था उस टाइम, उससे मैं रोई थी। ओह क्या बात है, मुझे अभी पता चला। हाँ तो मैंने वो इमोशन अपने मन में रखा था तुम दोनों के लिए, कि अगर नहीं रहे तो क्या होगा, तो मैं जो फूट फूट के रही हूँ उसका वो रीज़न है, तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना। और मेरे फूट फूट के रोने का रीज़न है कि ये है। सॉरी। हम बहुत थैंकफुल हैं उनके, बीन अ ग्रेटेस्ट हेल्प, सपोर्ट सिस्टम, वी आर रियली लकी एंड वी आर रियली प्रिविलेज्ड कि हम क्विकी के अंडर हैं एंड वी आर इन गुड हैंड्स। हम क्विकी के क्रिएटर्स हैं, बहुत खुशी की बात है, हमेशा सपोर्ट करते हैं हमें हर एक चीज में, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। या आई गेस म्यूजिक वीडियो का एक्सपीरियंस हमने साथ में ऐसे काफी, बट ऐसा लगा नहीं कि हम साथ में कुछ पहली बार ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज इतनी आदत हो गई साथ में रहने की, तो कैमरा रोल हो या फिर मोबाइल का कैमरा रोल हो तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं बोलूं कि टिकटॉक वीडियो की या फिर म्यूजिक वीडियो की एक्टिंग जो हम करते हैं, अगर हम अपनी टिकटॉक वीडियो के लिए भी अगर कोई एक्टिंग कर रहे हैं, अगर रो रहे हैं तो वो भी उतना ही जी लगा के रोते हैं, तो एक्टिंग उसमें भी वैसी ही रहती है, इसमें भी वैसी ही है, क्योंकि बोथ आर बेबीज, हम दोनों में उतनी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कम या उसमें ज्यादा। सबसे ज्यादा कौन रोया है ये गलत सवाल है, सबसे ज्यादा कौन एक्चुअली रोया है, मैं एक्चुअली ये रोई है, बट देखा जाए तो तीनों ने बहुत ज्यादा रोए हैं हम लोग, मतलब रोने पूरा गाना ही रोने का है, हर टाइम ही रोना, हमारा हर सीन में रोना था तो रो ही रहे थे, सभी रोए हैं। मेरा सेकंड सॉन्ग है सर के साथ, पाजी के साथ, बहुत हमेशा ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ काम करने का, बहुत इन्जॉय करवाते हैं शूट के साथ, ऐसा लगता ही नहीं है शूट करें, ये थोड़ा सा जो है
सैड सॉन्ग था तो थोड़ा फील हुआ ऑफ कोर्स, क्योंकि एक माइंड में हो जाता है पूरा दिन आप रो रहे हो तो सर दुखने लग गया था एट द एंड ऑफ द डे, बट बहुत मज़ा आता है, बहुत पाजी बहुत इंजॉय कराते हैं। सेम मेरा तो फर्स्ट सॉन्ग था, अभी मेरा दूसरा सॉन्ग भी आ रहा है। हाँ, तेरे दो सॉन्ग थे, मैं दुबई में दो सॉन्ग करके आया था तो मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया। मैं इनसे दो दिन पहले से गया हुआ था दुबई, तो मैं चार दिन तो बहुत ज्यादा मजे किया, मैं और पाजी हमने साथ में पार्टियां की हैं, तो मुझे तो बहुत मजा आया। पाजी इज लाइक अ फैमिली। दूसरा सॉन्ग कब तक आएगा? देखो सब बोल रहे हैं, कमेंट्स में पढ़ रहा था, सब बोल रहे थे कि इसका सेकंड पार्ट कब आएगा, तो देखते हैं रामजी बाजी को बोलो सेकंड पार्ट करने, फिर आते हैं हम लोग। हाँ फिर हंसा के गए। बर्थडे के प्लान्स यही है, देखो अभी मीडिया बैठ देना, मेरा बर्थडे प्लान है, इसके बाद मैं दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ। दोस्तों के साथ तो तुम कल भी रात में बाहर थे ना, अभी तो तुम यहाँ पे रहने वाले हो। हाँ तो इसके बाद जाऊँगा ना। अच्छा हाँ, फिर रात भर नहीं सोगे मतलब? हाँ नहीं, निशाचर आई कॉल है। हाँ बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े हमारे जो हमारा वीडियो है उसमें, कि फर्स्ट टाइम कुछ एक्टिंग देखने के लिए मिली है म्यूजिक वीडियो में, क्योंकि हम तीनों ने एक्चुअली एक्ट किया है उसमें। इट्स जस्ट नॉट अ वीडियो जहाँ लड़की घूम रही है, लड़का पीछे घूम रहा है, या फिर हम लोग, या फिर नॉट दैट कि ऐसे म्यूजिक वीडियोस नहीं है, मुझे हमें बहुत अच्छा लगता है, हमने भी किए हैं, मैंने भी किया, मेरा फर्स्ट सॉन्ग वैसे ही था, बहुत प्यारा सॉन्ग था। सेम ऐसा है, और हम लोग को देखने में मजा आता है, बट ऐसा था कि हम लोग ऐसा सोचे थे कि जब हमें साथ में आना है तो कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि लाइक वर्थफुल हो करना, लाइक हमें सिर्फ इसमें नाच गाना नहीं करना। ऐसे हमें टिकटॉक पे भी लोग एज अ कंटेंट क्रिएटर रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हमारा म्यूजिक वीडियो भी जब साथ में आए तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा दिख कर आना चाहिए। हाँ। तो आई एम रियली हैप्पी कि वो आया है और पब्लिक को अच्छा लग रहा है फिलहाल तक तो। थैंक यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। Like you know, it's a Zee Music project, and we got an audio from Sunny Inder and Kumarji spent the lyrics sung by Stephen Ben. So it is an amazing audio, and we wanted to shoot in grand and a good video where people connect to the artist also. और जब ये गाना माइंड में आया तो मुझे नहीं लगता था कि तीन तिगाड़ा से अच्छा है इसको कोई भी कर सकता था अच्छा. So the only team which came to my mind was Samiksha, Vishal and Bhavin. And they've done a fantastic job. It is amazing time shooting with them. हमने वीडियो दुबई में शूट किया एंड बहुत गर्मी भी थी तभी. गर्मी बहुत थी, उसका रात में पार्टी भी किया. या और पार्टी में मैं सो गया था. I was so tired. पाजी was sleeping in party. We were like, पाजी. So I was shooting back to back. तो उस दिन मैं टॉप ऑफ हो गया. बट बहुत मजा आया इन तीनों के साथ शूट करके. एंड वी डिडंट वांट टू डू समथिंग वेरी रेगुलर. और काफी लोग सोचे थे वीडियो में समीक्षा किसकी साथ जाएगी, यू नो, आइदर विशाल और भाविन के साथ. सो वी शॉट इट इन अ वेरी वेरी मॉडर्न वे, जो आजकल हर किसी के साथ होता है.
जरूरी नहीं है आप जिससे प्यार करते हो वो आपको मिल जाए. मैंने पाजी या एक तरफ पीपल आर क्रेविंग फॉर पार्ट टू. पार्ट टू ना जरूर बनाएंगे. पार्ट टू तीन तिगाड़ा के साथ आएगा. फिर हंसा के गया इश्क तेरा है. हंसा के गया इश्क तेरा क्या बात है भाई. टॉपिक मिल गया चालू हो जाओ. Actually, I'm a very big fan of this team. Right from day one, these guys are one of the most hard-working creators in the business. जब से हम लोग इनको मिले हैं, बहुत professional लोग हैं, बहुत ही दिमाग वाले और creative लोग हैं, और ये लोग बहुत आगे जाने वाले हैं. And this video, I've always been a fan of Ramji's videos. I think he's done such great justice to their chemistry which they have between the three of them. Amazing chemistry. And I called them today, and I just told them that this is one of the best videos acting-wise I've seen on the internet right now. So this is one of my favorite videos when it comes to the characters acting in it, and they've done such a fabulous job. And Ramji, big thank you to you, and thank you for your music. It's all come together so beautifully, and I'm nothing but proud for them. Thank you so much, sir. They are really. अपने बच्चे सभी को ही अच्छे लगते हैं, सर. अपने बच्चे सभी को. नहीं नहीं, दे आर रियली रियली वेरी वेरी क्रिएटिव. हम लोग रात रात भर बैठ के जागे हैं, यू नो, कि एक एक सीन पे, एक एक मोमेंट पे, एक एक इमोशन पे हम कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे. सो हैट्स ऑफ टू दीज गाइज, दे आर रियली हार्ड वर्किंग, एंड हम एज अ टीम आई थिंक इट्स रियली कम आउट. यस यस टोटली. म्यूजिक कुमार जी ने लिखा है गाना, उन्होंने लिरिक्स किए, और वो इतने एक्सपीरियंस उनको कि उन्होंने 10 मिनट्स में ये थॉट क्रैक करके लिरिक्स हमको दे दिया था. लेकिन उसको कैसे हमको पोर्ट्रे करना है आगे नोट्स में, म्यूज़िक में, उसके लिए हमको काफ़ी बैठना पड़ा. बिकॉज खुद कुमार जी के भी करेक्शंस थे उसमें कि नहीं यार, एक अच्छा इमोशन कन्वे हो जाए जो जी को पसंद आए, और आगे राम जी को शूट करना था. हम लोगों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी चल रही थी कि हमने ऑडियो जब रेडी हुआ तो अनुराग सर से डिस्कशन हो रही थी, तो हम लोग थोड़े क्यूरियस थे कि वीडियो कैसा बनने वाला है, कैसा जाने वाला है. लेकिन आपको कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग वीडियो. इतना फुल ऑफ इमोशंस, और जैसे राम जी ने बताया कि वेरी मॉडर्न वे ऑफ इमोशंस, यू नो, वो इतना अच्छा शॉर्ट डिवीजन हो चाहे या स्टोरी लाइन पूरा. अपने अपने रास्ते. अगर आप सबने वीडियो देखा हो तो मुझे लगा मैं बहुत गाली खाऊंगा कि यार समीक्षा और भाविन मिलने चाहिए, समीक्षा और विशाल मिलने चाहिए थे, सम काइंड ऑफ स्टोरी. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो पीपल आर एक्सेप्टिंग गुड कॉन्सेप्ट्स, एंड शाहरुख खान ने कहा है एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है. क्या बात है. ये सही है, हर इंटरव्यू में ना आप उनको थोड़ा सा पुश कर दिया करो ताकि फिर वो घर जाके सोचे. नहीं नहीं, आई लव देम, एंड व्हाई जस्ट अनदर वीडियो, विल कीप डूइंग वीडियोस विद तीन तगाड़ा. आई लव दिस टीम, एंड वेरी सून आई थिंक 2020 इन जनवरी यू विल सी द नेक्स्ट वीडियो हमारा साथ में. थैंक यू सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड. बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि क्या पहला लॉन्च है, एंड आई वुड लव टू सी ऑल थ्री ऑफ देम स्टैंडिंग हियर, बट वी आर इनकम्प्लीट राइट नाउ. और हम अमन को भी मिस कर रहे हैं. अमन यार बिल्कुल, बहुत अमन को और भाविन को बहुत मिस कर रहे हैं. ये भी कि लॉन्च भी है हमारा और विशाल का बर्थडे भी है यार, बहुत दोनों चीजें एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट थी. बट वी बहुत ट्राइड कि कुछ हो जाए भाविन के साथ. हमने बहुत ट्राई किया, इवन विद भाविन, इवन विद अमन, हमने बहुत ट्राई किया, बट इतना अर्जेंट सिचुएशन, अनअवॉइडेबल सिचुएशन से, तो क्या कर सकते हैं. वर्क इज वर्शिप. हां हां, सुंदर पाजी ट्रेंडिंग बॉयज आर सिंग, सब गाते हैं. हां सब गाएंगे ना. काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता, पर ऐसा हुआ नहीं, तू मिलो दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाहा तो,
रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चूम रहा हूँ मैं, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे. Thank you guys, thank you. Yeah.